हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, हर ओर केवल एक ही चर्चा हो रही है, वो है एसबीआई जे पोस्टपोन्ड हो गया। अभी आपने देखा कि यूट्यूब में जो आकाश यादव सर हैं, उनकी बातें 99% तक बिल्कुल ठीक होती हैं। उन्होंने कहा कि एसबीआई जे जो है वो लगभग 2-2.5 महीने के बाद शायद आएगा। देखो गाइस, पिछले टाइम से जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा था वो ये सोच रहा था कि यार एसबीआई जे जो है मुझे नोटिफिकेशन जून में देखने को मिलेगा, और इन एनी केस अगर हमारा एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो जुलाई तक में पेपर हमारा हो जाएगा, और मैं अभी अपनी तैयारी अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बढ़िया करके उस एग्जाम तक पहुँच पाऊंगा। ठीक है, जो बंदा पिछले टाइम से मेहनत कर रहा है, 2-3 महीने उसने लगा दिया, और आज की डेट में अगर वो इस न्यूज़ को देखकर थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा तो वो कहेगा अरे यार थोड़ा सा चिल कर लो, आगे नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो गया है, तो प्रिपरेशन उसकी 100% इफेक्ट करने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो हमें अपनी प्रिपरेशन पोस्टपोन नहीं करनी है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, बट जो है कि थोड़ा सा अगर आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं तो इट डजेंट मीन कि हम अपनी प्रिपरेशन को भी अवॉइड कर दें। जो बंदा अगर अभी रिलैक्स करेगा वो आगे एग्जामिनेशन जब होगा प्रीलिम्स का, उस दौरान वो बहुत परेशान होने वाला है। तो मैं केवल एक जेंटल रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ गाइस, जितने एक्टिव आप पिछले दिनों थे एसबीआई जेब को लेकर, उतने ही एक्टिव आपको आज भी रहना है। हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत जो है जल्दी देखने को मिल जाए, तो उस दौरान आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। देखो, जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया नहीं तब तक पोस्टपोन होने का कोई सवाल नहीं है, बट हाँ ये आप मानकर चलो कि थोड़ा बहुत जो क्लू है वो कहीं ना कहीं पर सच होगा, और जो जो आपका नोटिफिकेशन इस मंथ आने वाला था, हो सकता है वो आगे हमारी डेट हमें देखने को मिले। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो गैस बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए गुड पॉइंट है ना कि जिन टॉपिक्स पर आप फोकस नहीं कर पाए थे, जो चीज़ें आप नहीं कर पाए थे पिछले दिनों में, तो अब आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है। देखो, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको हमें बुराना है। अगर आप सोचोगे कि यार अब तो हो गई तैयारी और अब करेंगे एंजॉय, अब जाएंगे गोवा घूमने, अब शिमला मनाली एंजॉय करोगे, तो फिर हो जाएगा काम खराब आपका। ठीक है, तैयारी डटकर करो, एक्टिव रहो, जब तक हाथ में ऑफर लेटर ना आ जाए तब तक अपने आप को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर देखो, तभी आपका गैस कुछ हो पाएगा। अगर आप तैयारी करोगे छोड़ दोगे, तैयारी करोगे छोड़ दोगे, फिर आओगे फिर जाओगे, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। एक 12 महीने का टाइम स्लैप हमें मिला हुआ है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस टाइम के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है और अपनी एक बार लाइफ सेटल हो जाएगी, उसके बाद जो करना है वो करो। ठीक है, कोई नहीं पूछता। ओके, तो बस ये 2-3 चीज़ें बतानी थी मुझे, लगे रहो लगातार और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तक छोड़ो मत। ठीक है, और आगे एक चीज़ और बता दूँ, जो रीजनिंग है इसका हमने मेंस का एक कंप्लीट कोर्स अभी बनाया था करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, तो वो आप लोग देख लेना, ऐप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की एक सारी PDF सिस्टमेटिक तरीके से वो ऐप पर आ रही है, आप लोग देखो, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। अभी RBI का लोग एग्जाम देकर आए, उन्होंने भी कहा कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थे और हमने वीकली PDF करी, हमें काफ़ी एडवांटेज मिला। तो अगर आप एक सोर्स चाहते हो, हर एक जगह पर भटक भटक कर इधर से उधर ना घूमना चाह रहा हो, तो आप करंट अफेयर्स फंडा की PDF को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।